The moment you get my voice, please write in the comment section yes that I am audible as well as visible, so that I could start my class. Okay, first of all, welcome you all from the entire team of GradeUp. This is me, Salik, and in this video, we'll be learning about the January current affairs. That is the part one. आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी करंट अफेयर्स 2021 के पार्ट वन के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो राइट लिखिए कमेंट सेक्शन में अगर मेरी आवाज आ रही है. यस, अनबीटेबली सेइंग ऑडिबल एंड विजिबल. यस, ओके. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग. उससे पहले एक चीज हम लोग जान लें कि ग्रेडअप लाए है 55% ऑफ ऑन ग्रेडअप सुपर, ठीक है? क्लैट, स्लैट, आईलैट, एमएएच, सीटी एग्जाम वगैरह के लिए. एंड यू कैन यूज दिस कोड PREP55. एंड यस, इट इज राइट सेड, घर से तैयारी नहीं है समझदारी, बिकॉज वी आर सफरिंग फ्रॉम COVID-19. इसीलिए घर पर रहना है. जब घर पर रहना है तो ऑनलाइन एजुकेशन का बेस्ट माध्यम है ग्रेड अप. सो यू कैन ज्वाइन आर कोर्सेज. ओके, सो वी आर प्रोवाइडिंग फ्लैट 55% ऑफ सेल ऑन ग्रेड अप सुपर, ठीक है? यूज दिस कोड PREP55. ओके, यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. यस, सो यस, वी आर इवन फॉर दिस ईयर ऑल्सो वी आर हैविंग अ बूस्टर क्रैश कोर्स. Okay, so you can join it even if you are attending this year the Grade Up Super courses. And yes, for the next year, that is CLAT 2022, we are having a batch 4. So you can join if you are attempting next year. For example, you are in class 11th or 12th, you are attempting next year. Agar aapko agle saal dena hai, tab CLAT 2022 attempt kar sakte hain. Aur isiliye kaha gaya hai, the earlier you start, the better is for you. Punika, yes, there is no, अभी क्लैरिटी नहीं है कि पोस्टपोन कब तक, कितना महीने के लिए होगा. सो लेट्स वेट फॉर इट, ठीक है? आप अपनी तैयारी करते जाए, ठीक है ना? ओके, एंड इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023, मान लीजिए आप 10th क्लास में, अभी 10th जस्ट पास किए हैं 10th में, ओके, एंड यू आर प्लानिंग फॉर 2023, सो स्टिल वी आर हैविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फाउंडेशन मॉड्यूल. यस, यू कैन ज्वाइन दैट. ओके, यस, फॉर 2021 वी आर हैविंग 4 मंथ सब्सक्रिप्शन, फॉर 2022 वी आर हैविंग 14 मंथ सब्सक्रिप्शन, ठीक है? और यस, वी आर हैविंग नंबर्स, यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स. मैं और भी नंबर दिखाऊंगा इन द फ्यूचर स्लाइड्स, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट, राइट? ओके, देयर इज अ काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज यू ऑल, प्लीज डू नॉट टॉक विद इन योरसेल्फ. ओके, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क मी, बिकॉज़ व्हाट विल हैपन इज आई विल गेट कंफ्यूज्ड, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द एग्रीमेंट्स एंड डील्स. एंड as you know that we do in the question answer session, so this is the question. The question number 1 says India has signed a memorandum of understanding with which country to enhance cooperation in the field of information and communication technology and standardization of 5G. Your options are USA, France, Japan, Germany. And India ne MOU matlab ek tarah ka agreement samajh lijiye. India ne MOU sign kiya hai kis mulk ke sath, ताकि आईसीटी और 5G टेक्नोलॉजी में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 5G टेक्नोलॉजी के लिए. ओके, सो यस, यशी, उत्तम, गोदी, दिव्यानी आर सेइंग सी. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, सी इज द राइट आंसर. इट हैज साइंड विद सी. यस यस, इंडिया एंड जापान साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एनहांस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ आईसीटी, ठीक है? आप उसको, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, यहाँ भी आप देख सकते हैं द हिंदू बिजनेस लाइन के आर्टिकल, इंडिया एंड जापान साइंस एमओयू टू एनहांस कोऑपरेशन इन आईसीटी इंक्लूडिंग 5G टेक्नोलॉजी. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन नंबर 2 सेज द टेक्सटाइल्स कमिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज साइंड अ एमओयू विद निसेंकन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर ऑफ व्हिच कंट्री, ठीक है? ये क्वेश्चन है आपका, टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल इन दैट कंट्री. यानी टेक्सटाइल कमेटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की है, उसने एक एमओयू या आप कह रहे एग्रीमेंट साइन किया है निसेंकन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर. ये किस कंट्री का इवैल्यूएशन सेंटर है, ठीक है? आपको बताना. ओके, सो पीपल आर सेइंग जापान. ओके, देयर इज काइंड रिक्वेस्ट, राइट लाइक दिस, टू राइट नंबर ऑफ क्वेश्चन, देन राइट टू सी या टू बी, राइट लाइक दिस. ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो जापान इज द राइट आंसर. तो जिन्होंने जापान का है, गौरव, रोशन पांडे, निधि कुमारी, ऑल द राइट. यस, दिस इज अ पीआईबी 27 जनवरी, टेक्सटाइल कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल साइंस एमओयू विद निसेंकन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान, ठीक है? यहाँ पे आंसर जो है वो जापान है, ठीक है? ओके,
टेक्सटाइल तो आप समझते हो, कपड़ा से रिलेटेड है ऑल दैट, है ना। आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थ्री, एंड द क्वेश्चन नंबर थ्री से इज विच स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरीज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नॉर्थ ईस्ट केन एंड बम्बू डेवलपमेंट काउंसिल टू प्रोमोट बम्बू कल्टिवेशन एंड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप इन द रीजन। यानी किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने एमओयू या एक तरह से कह सकते हैं अग्रीमेंट साइन किया है नॉर्थ ईस्ट केन बम्बू डेवलपमेंट काउंसिल से, ताकि बम्बू जो है उसका कैसे प्रोडक्शन हो सके, एंटरप्रेन्योरशिप। आपका ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम। सर विल यू ऑल्सो बी कवरिंग करंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर? मैं देखो अभी अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। ओके व्हाट इज द आंसर? यस विपुल, शुभम, आर्य, आरुष, एकता बगोली, यस बी इज द राइट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर, निधि कुमारी, अनु, यू आर राइट। यस दिस इज एन आउटलुक आर्टिकल 12 जनवरी की, जम्मू एंड कश्मीर साइंस पैक्ट विथ एनईसी बीसीडीसी प्रोमोट बम्बू सेक्टर, ठीक है। ओके यस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल लाइक पर। यस गो एंड रीड अबाउट इट। ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर से इज विच पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लीन एंड एनर्जी इफिशियंट इंटरवेंशन एट NHAI एस्टैब्लिशमेंट्स। ओके इसका मतलब ये हुआ कि किस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस पब्लिक सेक्टर कंपनी के साथ ये क्या है, मतलब एग्रीमेंट क्या है, ताकि क्लीन एंड एनर्जी एफिशिएंट इंटरवेंशन मिल सके हाईवेज पर। ओके एंड योर ऑप्शंस आर EESL, NHPC लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, SJVN लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। आदित्य महतो इज एक्चुअली राइट, एंड अभिषेक प्रसाद, आदित्य महतो, नवनीत रतन, यस यू ऑल आर राइट। ए इज द राइट आंसर, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इज एब्सोल्युटली राइट। यस आप देख सकते हैं NHAI साइंस एमओयू विद EESL टू एस्टैब्लिश वेरियस क्लीन एनर्जी इंटरवेंशंस, ठीक है। दिस इज 8 जनवरी आर्टिकल फ्रॉम बिजनेस वर्ल्ड। ओके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, EESL NHAI साइंड एमओयू टू एस्टैब्लिश क्लीन एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव सेज विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज कोलैबोरेटेड विद नीति आयोग टू लॉन्च अपडेटेड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म? ऑप्शन है अमेजन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है? ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, राइट। तो जहां से आप इलेक्ट्रॉनिकली कोई सामान खरीद सके, जैसे फ्लिपकार्ट पे आप ई कॉमर्स वेबसाइट है, अमेजन ई कॉमर्स है, ठीक है। तो आप तो एग्जाम ऑप्शन ही समझ जाएंगे। तो किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने नीति आयोग के साथ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को अपडेट करने के लिए मतलब आप समझौता किया? सो उत्तम यादव, गोदिया सिंह, ए सोलर सिंह, डी यस यशी उज्जवल इज एक्चुअली राइट, सी इज द राइट आंसर। ओके फ्लिपकार्ट इज द राइट आंसर, यस दिस इज फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट। ये नीति आयोग है, यहाँ फ्लिपकार्ट है, यहाँ पे WEP है, नीति आयोग एंड फ्लिपकार्ट कोलैबोरेट विद वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है, WEP के साथ कोलैबोरेशन किया। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन। यस यहाँ भी आप देख सकते हैं नीति आयोग फ्लिपकार्ट कोलैबोरेट टू एनहांस वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, 11 जनवरी के आर्टिकल है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर फाइव से इज द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे साइंड एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू बूस्ट कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एक्सचेंज कॉपरेशन ऑन सस्टेनेबल जियो हजार्ड मैनेजमेंट? इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अग्रीमेंट किया है कि जियो हजार्ड मैनेजमेंट के लिए? बस इतना याद रखिए, इसरो, DRDO, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, CSIR। ओके प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, आपस में ना बात करें प्लीज। एनीबडी देयर? यस यशी, गोदी, सीता, महालक्ष्मी, यस बी इज द राइट आंसर, यस ऑफ कोर्स यू ऑल आर राइट। यहाँ आप देख सकते हो DRDO इंक्स फ्रेमवर्क MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे फॉर जियो हजार्ड मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स, और क्वेश्चन नंबर सिक्स से इज इन कोलैबोरेशन विद विच कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल एस्टैब्लिश क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब इन द कंट्री? यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो क्वांटम कंप्यूटेशन लैब एप्लीकेशन लैब बनाएगी किसके मदद से? अमेजन वेब सीरीज, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट? सर
कैन वी डाउनलोड द टुडेज टॉपिक? सी, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा, आफ्टर द वीडियो इज ओवर, दिस विल बी पुट ऑन द यूट्यूब, ओके? तो ऐसा नहीं है कि बस एक बार देख सकते हो, कैन वॉच लेटर ऑन. यस, पीपल आर सेइंग बी एंड डी, सो यस, आरुष इज राइट. एक्चुअली ए इज द राइट आंसर. अमेजन वेब सीरीज इज अ राइट आंसर. यस, दिस इज अ बिजनेस टुडे आर्टिकल. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू एस्टैब्लिश क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब विद कोलैबोरेशन विद AWS, यानी अमेजन वेब सीरीज. ठीक है, तो जिन्होंने बी कहा है, जिन्होंने ए कहा वो राइट है, गोनी का भी राइट. यस यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी एंड नेशनल जियोग्राफिकल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्चुअली साइन MOU विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ मैरीन साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी. वर्चुअली के मतलब है कि ऑनलाइन, ठीक है ना, ऑनलाइन मीटिंग में ऑनलाइन ही साइन कर लिया गया अग्रीमेंट. ठीक है, सो CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस मुल्क के साथ मैरीन टेक्नोलॉजी के लिए MOU साइन किया. क्वेश्चन नंबर के साथ लिखिए, 7A 7B ऐसा लिखिए. ओके, उत्तमी सिंह ए, दिव्यानी सिंह बी. ओके, एनीबॉडी एल्स? तक सही ऑप्शन नहीं मिला. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली रशिया इज द राइट आंसर. ठीक है, सी इज द राइट आंसर. किसी ने सी जवाब नहीं दिया अभी तक. तो CSIR इंस्टीट्यूट साइन MOU विद रशिया सेंटर फॉर कोलैबोरेशन ऑन मैरीन साइंसेस. ठीक है, 13 जनवरी की आर्टिकल है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. एंड द क्वेश्चन नंबर 8 सेज, भारती एयरटेल साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU बताओ, आप समझ लो एग्रीमेंट है करेगा, विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ MSMEs इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत. भारती एयरटेल ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ एक अग्रीमेंट किया है ताकि MSME को सक्सेस मिले और आत्मनिर्भर भारत बन सके? सर, कैन वी डाउनलोड द PDF ऑफ टुडे स्लाइड्स? यस, आफ्टर द क्लास इज ओवर आई विल टेल द अथॉरिटी कि कमेंट सेक्शन में नीचे में डाल दे, तो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आधा एक घंटा बाद वीडियो पुट करने के. ठीक है, तो यस, पीपल आर सेइंग, मोस्ट पीपल आर सेइंग ए इज द राइट आंसर. ओके, यस, वन हैज सेड सी, एक्चुअली नोबडी हैज सेड द राइट आंसर. डी इज द राइट आंसर. एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ द लोग समझे कि नीति आयोग ही होगा इसमें. यस, दिस इज फ्रॉम एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट. ठीक है, NSIC एंड एयरटेल ज्वाइन फोर्सेस टू एक्सेलरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन MSMEs. ओके, MSMEs क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब एक तरह से इंडस्ट्री, वेरी स्मॉल लेवल इंडस्ट्री इज कॉल्ड एज MSME. तो देखो, एक बंदा है, ही इज मेकिंग शूज इन साइड अ हाउस, सो ही कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ MSME. This guy is selling a vendor, okay, a vegetable. This can be considered as MSME. यानी बहुत छोटे लेवल की जो इंडस्ट्री होती है उसको हम MSME कहते हैं. ओके, ठीक है, हाँ. Let's move on to the question number 9. The question number 9 says, DRDO has signed an MOU with which Metro Rail Corporation to render technical support to implement advanced biodigester MK2 technology to treat human waste in Metro Rail project. एक टाइप से कॉटेज इंडस्ट्री है सर. हाँ, कॉटेज इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ MSME. रितेश, ठीक है, यस, ऑप्शंस आर दिल्ली मेट्रो, कोलकाता, महाराष्ट्र मेट्रो, लखनऊ मेट्रो एंड हैदराबाद मेट्रो. यस, अभिषेक प्रसाद एंड नवने साहिल शुक्ला राइट. यस, महाराष्ट्र मेट्रो इज द राइट आंसर. ठीक है, आप देखो, DRDO इंक्स MOU विद महाराष्ट्र मेट्रो for implementation of advanced biodigester MK2 technology in Metro Rail project. Okay? अच्छा, ये इसमें जो इमेज लगी इसे कंफ्यूज मत कर देना, ये कोलकाता मेट्रो का है, ये बस बस रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं इमेज लगा देता हूँ, इससे कंफ्यूज मत कर देना कि सर ये तो कोलकाता मेट्रो का था तो आंसर ये होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 सेज, अ खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, दैट इज KVIC हम लोग उसको लिखते हैं, signed an MOU, yani agreement, with which security forces to supply 172,000 cotton durries every year. एक तरह समझिए चादर उधर टाइप की होती है, ठीक है? And your options are BSF, NSG, CISF, CRPF, ITBP. KVIC जो है, उसने किससे agreement sign किया, किस security force के साथ, ताकि 172,000 cotton durri को हर साल provide किया जा सके?
Yes, Abhishek Prasad Navne Shubham Arya. Yes, you all are right. He's the right answer. ITBP is the right answer. Yes, you can say this ANI article. ITBP signs MOU with KBIC for supply of कॉटन दुर्री. तो वो ये होता है कॉटन दुर्री, ठीक है ना? और ये जो ड्रेस है ये ITBP का ड्रेस होता है, ठीक है? इसके अलावा ओके ठीक है. हाँ, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11. एंड द क्वेश्चन नंबर 11 सेज विद व्हिच एंटिटी द गवर्नमेंट has signed an agreement or signed a strategic partnership agreement to strengthen cooperation in global energy security, stability and sustainability. Okay. यानी गवर्नमेंट ने किस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, ठीक है, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के लिए. एंड योर ऑप्शंस आर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड काउंसिल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. रितेश यादव, उत्तम यादव और सिंह बी और एनीबॉडी एल्स. यस, यश उज्जवल इज एक्चुअली राइट. कनिष्का इज राइट. ए इज द राइट आंसर. ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. इंडिया इंक्स एमओयू विद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA, ठीक है, और ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी. ये 27 जनवरी के आर्टिकल है, ठीक है. यस, यू कैन सी हियर ऑल्सो दिस इज आई हैव टेकन फ्रॉम PIB वेबसाइट, इंडिया साइंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद IEA. एंड दिस वॉज एन ऑनलाइन सबमिट, एक्चुअली ऑनलाइन सबमिट थी और इसका ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है. अच्छा, देयर इज काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज प्रेस द लाइक बटन बिकॉज वी फील मोटिवेटेड टू कम अप विद गुड क्वालिटी कंटेंट. अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करोगे, व्यूअरशिप बढ़ेगी तो हम लोग को अच्छा लगता है, ताकि वी कम अप विद गुड क्वालिटी कंटेंट एंड गिव सम सजेशंस, सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बुक्स एंड ऑथर्स, यानी हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में जानेंगे और से सवाल रहेंगे. ओके, हाँ, द क्वेश्चन नंबर 12 सेज हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा. एंड योर ऑप्शंस आर करण जौहर, सुभाष घई, विधु विनोद चोपड़ा, यश चोपड़ा एंड महेश भट्ट. अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा किसने लिखी है, ये आपको जवाब देना है. एनीबडी? आप प्लीज डू नॉट टॉक विद इन योर सेल्फ, ठीक है. हाईली सेइंग ISA इज इंडियन ओन अलायंस. यस, अरे मार्च करेंट अफेयर्स में डिटेल में बताया इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में. यस, साहिल शुक्ला, दिव्यानी एंड सीता महालक्ष्मी आर राइट. सी इज द राइट आंसर, ये इनकी किताब है. ओके, विधु विनोद चोपड़ा, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13. एंड द क्वेश्चन नंबर 13 सेज हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड इंडियाज 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. इंडियाज 71 ईयर टेस्ट, जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया लिखी है किताब, ठीक है. ऑप्शन आर भावना बालकृष्ण, आर कौशिक, संबित बल, राजू भारद्वाज, गौतम भट्टाचार्य. आंसर कीजिए इसको, राइट द क्वेश्चन नंबर ऑफ 13A 13B इस तरह से लिखिए, ठीक है. एनीबॉडी? नो वन इज गिविंग विद राइट आंसर. द राइट आंसर, यस, यश उज्जवल वाज राइट, आर कौशिक इज द राइट आंसर. ओके, यस, दिस इज अ बुक, इंडिया 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया, और कौशिक की लिखी हुई किताब है, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14. एंड द क्वेश्चन नंबर 14 सेज हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स, कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव्स. ये लॉ वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर लॉ एंट्रेंस, ठीक है. एंड योर ऑप्शन आर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल, अभिषेक मनु संघवी, हगेश गौतम या बोथ सी एंड डी, ठीक है. एनीबडी? द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स, कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव किसने लिखा है? तम यादव इज सेइंग 14 का ई. यस, नवनीत रत्न. यस, ई इज द राइट आंसर. यश उज्जवल, यू आर द राइट. यस, दिस इज एन आर्टिकल फॉर बार एंड बेंच, सुप्रीम कोर्ट जजेस टू रिलीज बुक ऑन लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स बाय एम मनुसंघवी, अभिषेक मनुसंघवी एंड प्रोफेसर कगेश गौतम. देखो ये किताब है, ठीक है.
इज अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, हिज नेम इज अभिषेक मनु संघवी। ठीक है, यस, ई जो उन्होंने कहा है वो राइट है, एकता भगोरिया एंड ऑल दैट। यस, द क्वेश्चन नंबर 15 सेज हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड साबरीमाला विजनानुकोशम रिलीज बाई आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर ऑफ केरला। तो साबरीमाला इज अ टेम्पल, राइट, उसमें कुछ इशू भी हुआ था, कोर्ट केस चला था, आई होप यू आर अवेयर। तो आपको ये बताना है कि ये किसने लिखी है, माधव भंडारी, के एस विजयनाथ, प्रवीण सिंह, नीना राय या ऋषि वर्मा। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। यस, द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली के एस विजयनाथ इज द राइट आंसर। पता है, यस, केपी झा या राइट, यस, भूमिका ही वाज द राइट आंसर, के एस विजयनाथ। Now let's move on to the question number 16, and the question number 16 says, who has authored the book titled Flying Blind, India's Quest for Global Leadership? And your options are Fareed Zakaria, Nandan Nilekani, Mohammad Zeeshan, K.S. Vijayanath, Madhav Bhandari. Okay. Ye kitab kisne likhi? Flying Blind, India's Quest for Global Leadership. It's a very interesting book. Padha nahi. Ye 16 ka batao? Uttam Yadav is saying A. Anybody else? Yes, Gonika is right. She is the right answer. Mohammad Zeeshan is the right answer. देखो यही किताब Penguin Books की वेबसाइट से लिया, Mohammad Zeeshan, Flying Blind, India's Quest for Global Leadership. ठीक है, तो Mohammad Zeeshan is the right answer. तो जिन्होंने सी बताया सही। तो क्वेश्चन नंबर 17 से इज हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल मनोहर परिकर ऑफ द रिकॉर्ड। मनोहर परिकर ऑफ द रिकॉर्ड किसने लिखी है? मनोहर परिकर जो थे, ही वाज द फॉर्मर, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा एंड एक्स डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है ना, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। तो ही डाइड आई थिंक 2 इयर्स बैक। तो उनके बारे में किताब लिखी है, किसने लिखी है? तम यादव इज सेइंग 17 का ए, साहिल शुक्ला इज सेइंग ए, और थर्ड मैं पूछ रहा हूँ। ओके, तो द आंसर इज सी एक्चुअली, वमन सुभा प्रभु। प्रमोद सावंत जो है सीएम है गोवा के, आफ्टर हिज डेथ मनोहर पारिकर व्हेन ही डाइड प्रमोद सावंत बिकेम द सीएम ऑफ गोवा एंड ही रिलीज द बुक, लेकिन लिखा इन्होंने वमन सुभा प्रभु ने। ओके, सी इज द राइट आंसर। यस, notionpress.com की वेबसाइट पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा वमन सुभा प्रभु, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, ये उनकी इमेज है। ओके, let's move on to the question number 18, and the question number 18 says who has authored the book titled The Population Myth, Islam, Family Planning and Politics in India. The Population Myth, Islam, Family Planning and Politics in India ki kitab kisne likhi hai? Aur aapke options hai Salman Khurshid, Wajahat Habibullah, Iswai Qureshi, Rajendra Sachar, Shashi Tharoor. Anybody write with the question number 18, A18 भी इस तरह लिखे। यस, साहिल शुक्ला, सीता महालक्ष्मी सिंह सी, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एस वाई कुरैशी इज द राइट आंसर। यस, दिस पर्सन इज एस वाई कुरैशी, ही इज द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है ना, तो इट इज अ 3-member body, राइट, आई हैव एक्सप्लेन्ड। सो द सीनियर मोस्ट इज कॉल्ड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और यू कैन से द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन। So he is the former Chief Election Commissioner of India, and this is a short of the book, The Population Myth, Islam, Family Planning and Politics in India. Okay. Now, the question number 19 says, who has authored the book titled Gazing Eastwards of Buddhist Monks and Revolutionaries in China, 1957? Ye kitab kisne likhi, aapko batana hai? Bipin Chandra, Sumit Sarkar, Ramachandra Guha, Romila Thapar, ya Shashi Tharoor? Anybody there? So the correct answer to this question is actually D. Romila Thapar is the right answer. Yes, this is a book, Gazing Eastwards of Buddhist Monks and Revolutionaries in China, written by Romila Thapar. She is a very senior, you can say, professor of history in JNU. Kai sari kitab hai, she has written books of NCERT also. So yes, people have written the Ekta Bhagoria Nidhi. Yes, you are right. This is the right answer. Jinhone bhi D likha hai, wo sahi hai. Okay. Now the question number 20 says, who has authored the book titled
राइट अंडर योर नोज, ये किताब किसने लिखी है? योर ऑप्शंस आर रघुराम राजन, के पी कलंगो, उर्जित पटेल, आर गिरिधरन, एन के जय। एनीबडी? तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली डी इज द राइट आंसर, आर गिरिधरन इज द राइट आंसर। इस केपी जब वाज राइट, साहिल शुक्ला वाज राइट, राइट अंडर योर नोज इज अ बुक रिटन बाय आर गिरिधरन। ठीक है, कर देगा। हाँ, लेट्स मूव ऑन। यस, यू कैन सी दिस राइट अंडर योर नोज इज ऑथर्ड बाय आरबीआई मैनेजर आर गिरिधरन। ठीक है, रूपा पब्लिकेशन इसको पब्लिश किया है और आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में। ठीक है, यस, द क्वेश्चन नंबर 21 सेज हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड 10 लेसंस फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ये किसने लिखा है? पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड यानी पैंडेमिक के बाद की दुनिया का 10 लेसन है, ये किताब का नाम है, इस लिखा है। मरी जकरिया, नंदा नीलेकानी, मोहम्मद जिशान, के एस विजयनाथ, माधव भंडारी। एनीबडी? यस, गुनिका इज राइट, हरी जकरिया इज द राइट आंसर। यस Yes, Sanyadhan, you all were right. This guy is Fareed Zakaria. This is a book, The Lessons for a Post-Pandemic World, Fareed Zakaria. Okay. And he is very famous, you can say, journalist. He is associated with Washington Post, wo editor at Large Time Magazine, ke kai jagah reh chuke. Okay, he is Indian origin only. Okay, Indian origin ke. The question number 22 says, who has authored the book titled, The Making of Aadhaar, World's Largest Identity Platform? Okay. इस किताब के लेखक कौन है? नंदन निलेकानी, ए के सिकरी, आर एस शर्मा, पंकज कुमार, क्रिस गोपाल कृष्ण। क्वेश्चन नंबर के साथ लिखेगा 22A 22। यस, शौर्य रॉक्स इज द राइट आंसर। राम सेवक शर्मा, शौर्य रॉक्स हैज करेक्टली आंसर्ड दिस क्वेश्चन। ठीक है, यस, हाउ आधार ग्रू फ्रॉम एन आइडिया इनटू वन प्लेटफॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, आर एस शर्मा ने लिखी। आर एस शर्मा जो है वो यूआईडीआई के हेड रह चुके हैं, यूआईडीएआई जो कि आधार ऑर्गेनाइजेशन है के हेड रह चुके हैं, फॉर्मर डीजी, देखिए ना, फर्स्ट डीजी ऑफ यूआईडीआई। ठीक है, उन्होंने ये किताब लिखी है, द मेकिंग ऑफ आधार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, Now let's move on to the honors and awards. ठीक है, हम लोग honors और awards में चलते हैं. Let's start. The question number 23 says Scotch Challenger Award under Transparency in Governance category for IT-led initiative and transformation reforms किसको मिला है? Okay, किस ministry को Scotch Challenger Award मिला है Transparency in Governance के लिए for IT-led initiative? ठीक है, और ये आपके options हैं, पंचायती राज ministry, Environment Ministry, Health Ministry, Electronics and Information Technology Ministry, or Ministry of Finance? Yes, anybody? Sahil Shukla Singh, K koi option hai? Yes, A is the right answer. So, Navmi Ratan and Uttam Yadav are right. A is the right answer. Yahan aap dekh sakte ho, PIB ke website hai, Ministry of Panchayati Raj. Okay. स्कॉच चैलेंजर अवार्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। ठीक है, आप इसको, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस इनको मिला, आईटी लेड इनिशिएटिव। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24 एंड रीड इट केयरफुली। हु बिकेम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स सरपासिंग अमेज़न जेफ बेजोस। यानी अमेज़न के जो मालिक है जेफ बेजोस, उसको पास करके, इसको पीछे छोड़ के वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन कौन बन गया है ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के हिसाब से, आपको बताना। ठीक है, ऑप्शंस आर बिल गेट्स, इलॉन मस्क, जॉन्ग शानसिंग, बर्नार्ड अर्नॉल्ट, मार्क जुकरबर्ग। यस, रतन इज राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, इलॉन मस्क इज द राइट आंसर। सो इलॉन मस्क ने पीछे छोड़ दिया, यस, इलॉन मस्क ब्लूमबर्ग वेब, इलॉन मस्क इज अगेन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन आफ्टर स्पेसएक्स फाउंड। ओके, आप देख सकते हैं, Yes, this guy is Elon Musk and he is famous for two things. The first is called as Tesla Motors. Tesla Motors is an electronics car company. Another thing is called as SpaceX.
which is a very famous space agency. Okay, rocket mahara launch kar rahi ho. Okay, one more thing. I've talked about the Bloomberg index. So Bloomberg index mein Elon Musk is rank one. But if you talk about the Forbes magazine, according to the Forbes magazine, Jeff Bezos, the Amazon ka malik hai, Jeff Bezos, he's at the rank one and Elon Musk is at the rank one. Okay. So this varies from agents or magazine or organization. Okay. Now the question number 25 says, who will become the first woman fighter pilot to take part in the Republic? Will everybody use currency? Okay. Who has become? Will win the future of that? Will pass for me. Options are Avani Chaturvedi, Bhavana Kant, Mohana Singh, Arora, and Swami. Sako Batana. Is right in the comment section? Yes, I'll choose like that. Will be right. Any other right? Bhavana Kant is the right answer. Right? Yes, Hindustan Times article 18 January says Bhavana Kant was a part in the Republic debate. First woman fighter to Kuso. Let's move on to the question number 26. Question number 26, which country will be the country in focus for the 51st edition of International Film Festival to be held in Goa from 60? Now, we will use Karnati, has Onati, is it fast for you? And your options are Brazil, Bangladesh, and Belgium, Bolivia. एंट्री इन फोकस बनाया जाता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में. सर कौन था? सर योर वॉइस इज लो. इज इट क्लियर नाउ? अब वॉइस क्लियर है? यस सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर टू अस. अब ठीक है, अब सही है, क्लियर आवाज. Is it clear now? Okay. So answer bataiye. Answer iska answer kijiye. Yes, the correct answer to this question is actually B is the right answer. Theek hai. Bangladesh is the right. Yes, Gunika, you are right. Yes, you can see here, Bangladesh, country in focus for 51st International Film Festival Award or International Film Festival of India. Okay? Okay? Now, let's move on to the question number 27, which says, the Maharashtra government has renamed Gore Wada International Zoo in Nagpur after who among the following? No, Gore Wada International Zoo is in Nagpur, which is in Maharashtra. Mein ek jagah hai. Unka, is zoo ko kiski naam par rakha gaya? Okay? अटल बिहारी वाजपेयी, बाला साहेब ठाकरे, शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर, शिवराज पाटिल, सूर्यकांत महादिक. एनीबडी? यस, उत्तम यादव, साहिल शुक्ला, गोदी, यस शोसफनी, यू आर राइट, बी इज द राइट आंसर. ऑफ कोर्स मुंबई मिरर की आर्टिकल है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिनेम्स नागपुर गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू आफ्टर बाला साहेब ठाकरे. एंड yes, if this is India, so he is the father of current chief minister, right? Father of the CM of Maharashtra. Right now the CM of Maharashtra is Uddhav Thackeray, right? Okay. Now, aap yahan dekh sakte ho, this one is Maharashtra. Okay. Yahan par city in Nagpur, isi mein Gore Wada Zoo and Wildlife Rescue Center. Okay. Now, let's talk about the important committees. The question number 28 says, under whose chairmanship the union government has decided to form a committee to find a solution to issues associated with preservation of Ladakh's land, culture and language. Yani kiske under ek committee banayi gayi hai jisme land, culture aur language Ladakh ke protect karne ke liye ek committee banayi gayi hai, to uske chairman kaun hai? Theek hai, G. Kishan Reddy, Thikshe Ronpoche, Thupstan Chivang and Chering Dorje. I'm very sorry if I'm unable to pronounce it correctly because I'm exact pronunciation pata nahi. Yes, you all are right. Everybody is saying A. Yes, absolutely correct. G. Kishan Reddy is the right answer. So he is a minister of state for home affairs. Okay. G. Kishan Reddy.
पैनल 2022 लद्दाख इश्यूज मिनिस्टर स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी. ठीक है, यू कैन रीड मोर अबाउट इट. द क्वेश्चन नंबर 29 सेज अंडर हूज चेयरमैनशिप द यूजीसी हैज सेट अप अ 7 मेंबर कमिटी टू लुक एट द पॉसिबिलिटी एंड रिव्यू द फिजिबिलिटी ऑफ होल्डिंग द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एट अंडर ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. ठीक है, यानी 7 मेंबर कमिटी बनाया है यूजीसी ने और सीईटी से रिलेटेड. ठीक है, और उसके चेयरमैन कौन है? आरपी तिवारी, एम जगदीश कुमार, योगेश त्यागी, नजमा अख्तर. यस, ए इज एक्चुअली द राइट आंसर. सो यस, सर्वमंगलम साहिल शुक्ला, राइट, ए इज द राइट आंसर. यस, सेंटर सेट्स अ पैनल टू वर्क आउट सीईटी टेस्ट फॉर फैसिलिटीज. ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, आरपी तिवारी उनका नाम है, वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 30 सेज who was the chairman of 10 member task force set up by union government to evaluate the marriageable age of girls which has submitted its recommendation to PMOs and women child development ministry. Actually there is a proposal to increase the minimum marriage years of girls. Theek hai, abhi 18 hai and for boys it is 21, right? So there is a proposal to increase 18 to let's say 21. Theek hai, तो इसके लिए कमिटी बनाई गई है. इस कमिटी का आपको नाम बताना है. एनीबडी देयर? यस, पीपल आर सेइंग सी, जय बच्चन. ना ना ना, जय बच्चन इज नॉट द राइट आंसर. जय जेटली इज द राइट आंसर. जय बच्चन इज द वाइफ ऑफ अमिताभ बच्चन, राइट? सो जय जेटली इज द राइट आंसर. टास्क फोर्स ऑन एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन सबमिटेड रिपोर्ट टू पीएमओ. ठीक है, एंड हियर यू कैन सी जया जेटली. ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ कमिटी जया जेटली. ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर. नोबडी गिव मी द राइट आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 31 सेज अंडर हूज चेयरमैनशिप द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कंस्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग टू स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज इन द रेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर एज वेल एज बाई अनरेगुलेटेड प्लेयर्स. ठीक है, आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है डिजिटल लेंडिंग से रिलेटेड. ठीक है, आपको बताना है उसके हेड कौन है. अजय कुमार चौधरी, जयंत कुमार दास, एसपी वसुदेवन, मनोरंजन मिश्रा, विक्रम मेहता. एवरीबॉडी इज सेइंग ए बट बी इज द राइट आंसर. जयंत कुमार दास इज द राइट आंसर. यस, दिस इज फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरबीआई. आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री जयंत कुमार दास इज द राइट आंसर. इज द आरबीआई इज द चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंटरनेशनल अफेयर्स. ठीक है, अब थोड़ा इसे 5-6 क्वेश्चन बचा है बस. ओके, द क्वेश्चन नंबर 32 सेज माउंटेनियर्स ऑफ विच कंट्री मेक्स हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट टू स्केल इन विंटर वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन K2. ठीक है, जिसको हम लोग काराकोरम कहते हैं, राइट? उसको ठंड में, विंटर में किस कंट्री के लोगों ने स्केल किया, यानी चढ़ गया है उसके पीक तक. ठीक है, ठंड में. यस, सी इज द राइट आंसर. यस, एब्सोल्युटली, नेपाल इज द राइट आंसर. ओके, यस, नेपाली क्लाइंबर्स मेक हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट टू स्केल K2 पीक इन विंटर. ठीक है, नाउ यस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. अ टीम ऑफ 10 नेपाली मेंबर्स मेक हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट टू स्केल इन विंटर द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन K2. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच सेज व्हिच कंट्री इज डेवलपिंग वुडन सैटेलाइट्स टू रिड्यूस स्पेस डेब्रिस. ठीक है, यानी लकड़ी के सैटेलाइट कौन से कंट्री बना रही है ताकि स्पेस डेब्रिस, डेब्रिस मतलब कचड़ा. ठीक है, तो लोहा का सैटेलाइट क्या होता है, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वहां ना, तो वहां कचड़ा जम जाता है स्पेस में, तो उसको अवॉइड करने के लिए लकड़ी का बनाया जा रहा है. और ये कौन सी कंट्री बना रही है? यूएसए, रशिया, जापान, चाइना, इंडिया. यस, नवनी रतन, साहिल शुक्ला, उत्तम यादव, राइट, सी इज द राइट आंसर. जापान इज द राइट आंसर. ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो बीबीसी के आर्टिकल है, दिस इज लकड़ी के सैटेलाइट. जापान डेवलपिंग वुडन सैटेलाइट्स टू कट स्पेस जंक. जंक मतलब वही कचड़ा.
ठीक है, यस। द क्वेश्चन नंबर 34 से इज विच कंट्री ओवरटुक यूएसए एज वर्ल्ड टॉप डेस्टिनेशन फॉर न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर। ठीक है, यानी किस कंट्री ने यूएसए को पीछे छोड़ दिया है बाहरी निवेश, या जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसमें। तो ऑप्शन सर इंडिया, जापान, चाइना, इंग्लैंड, जर्मनी। एनीबडी? साहिल शुक्ला इज सेइंग सी। यस साहिल, यू आर राइट। चाइना इज द राइट आंसर। ठीक है, सर्वमंगलम सिंह भी राइट है। चाइना ओवरटेक्स यूएसए एज वर्ल्ड्स लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये 25 जनवरी का आर्टिकल है, यू कैन गो एंड रीड। ठीक है, नाउ यस द क्वेश्चन नंबर 35 सेज विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड टेस्ट लॉन्च्ड फतह वन, द इंडिजिनसली डेवलप्ड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ठीक है, यानी फतह वन जो है इंडिजिनसली डेवलप्ड, मतलब अपने कंट्री में बनाया गया, मेड इन देयर ओन कंट्री, मतलब कोई चीज इंपोर्ट नहीं किया गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनसली डेवलप्ड। तो किसने ये फतह वन मिसाइल सिस्टम या रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया है? यस नवनी रतन एंड रश्मि शेखर आर राइट। दिव्यानी रसोलाइट पाकिस्तान इज द राइट आंसर। ओके, सो बी इज द राइट आंसर। लेट मी शो यूर न्यू इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल। पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स इंडिजिनसली डेवलप्ड वेपन रॉकेट सिस्टम। इंडिजिनसली यानी अपने कंट्री बनाया गया है, इंपोर्ट नहीं किया गया, और यहाँ पे फतह वन सिस्टम लिखा हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 36। एंड दैट 36 नंबर क्वेश्चन से इज व्हिच कंट्री हैज डेवलप्ड अ फ्लीट ऑफ अंडर वाटर ड्रोन्स कॉल्ड सी विंग ग्लाइडर इन इंडियन ओशन। ठीक है, जैसे ये इंडिया है ना, यहाँ पे श्रीलंका है राइट, और नीचे जो ओशन है उसको हम लोग कहते हैं इंडियन ओशन। ठीक है, इतना आपको पता होगा। सो इंडियन ओशन में अंडर वाटर ड्रोन जिसका नाम सी विंग ग्लाइडर है, किसने लगाया? ड्रोन तो आप समझते होंगे राइट? यस दिव्यानी नवनी रतन आर राइट। इट इज द राइट आंसर। ठीक है, चाइना इज द राइट आंसर। यस यू कैन सी हियर, दिस इज अ आर्टिकल फ्रॉम फोर्ब्स, चाइना डिप्लॉयड अंडर वाटर ड्रोन इन इंडियन ओशन। ठीक है, ये देखिए, ये अंडर वाटर ड्रोन है, ये अमेरिका का होता है, ये चाइना का होता है। यानी पानी के अंदर ड्रोन आता है, इसमें मिसाइल सिस्टम होता है, वो जाकर किसी को मार भी सकता है, किसी शिप को नीचे से। ठीक है, चाइना डिप्लॉयड फ्लीट ऑफ अंडर वाटर ड्रोन इन इंडियन ओशन सेज रिपोर्ट। ठीक है, 31 दिसंबर की रिपोर्ट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन सेज फॉर द फर्स्ट टाइम अ 122 मेंबर ट्राई सर्विस कंटिजेंट ऑफ विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिक डे परेड 2021। 122 मेंबर ट्राई सर्विस कंटिजेंट का मतलब होता है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, यानी लैंड वाली जो थी, तीनों ने मिलकर 122 मेंबर जो टीम थी वो किस कंट्री की इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किए? ओके, तो ऑप्शन सर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव। इस साल रिपब्लिक डे परेड में 2021 में पार्टिसिपेट किए। यस यश उज्ज्वल, नवनी रतन, आरुष, सीतामा लक्ष्मी। यस एवरीबडी सेइंग बी। वेरी गुड, वेरी गुड, विथ फुल कॉन्फिडेंस। यस दिस इज द राइट आंसर। दिस इज एन इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल मार्किंग 50 ईयर्स ऑफ 1971 वॉर, बांग्लादेशी टीम पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे इवेंट। आप देख सकते हो ये उनकी फोर्स थी। ठीक है, यू नो व्हाट हैपेंड वाज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, लेट मी एक्सप्लेन शॉर्ट। 1979, बिफोर 1971 बांग्लादेश वॉज कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान। आई होप यू आर अवेयर। सो इन 1971 इट बिकेम बांग्लादेश। ठीक है, एंड इफ यू एड 50, 1971 प्लस 50, इट बिकम्स 2021। एंड दैट इज वाई फॉर बांग्लादेश 2021 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वाई यस एज अ मैटर ऑफ जो है दे केम हियर। ओके, ठीक है, सो आई होप दैट यू वुड हैव लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द कोर्सेज एंड ऑल दैट, प्लीज कॉल ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, इफ इट ए फुल फॉर्म लास्ट इज सर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अभिषेक। इफ इट एफ इज अ पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ दीज टू आर ऑल्सो द क्वेश्चन, आई मीन सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं, फोन नंबर्स, यू कैन कॉल ऑन दीज टू नंबर्स। ठीक है, इफ यू हैव एनी सजेशन यू कैन गिव। सो टुमारो ऑल्सो 9 AM वी विल बी कमिंग अप विद द जनवरी करंट अफेयर्स पार्ट टू, मोस्ट लाइकली वी विल कवर इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में हम लोग को हो जाएगा। ठीक है, एंड आई होप दैट यू वुड हैव लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज प्रेस द लाइक बटन।
शेयर विथ अदर पीपुल, शेयरिंग नॉलेज इंक्रीजेस नॉलेज, ठीक है। सो आप दूसरे को शेयर कीजिए वीडियो, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।